पिक्सल एक्सपीरियंस का प्लस वाला एडिशन साथ ही साथ फेस अनलॉक बाय डिफॉल्ट, क्या बात है। हे गाइज, आई एम एम के एंड यू आर वॉचिंग टेक ऑफिस। और आज हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन ऑफ पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस एडिशन, जिसका बिल्ड डेट आपको 7 अप्रैल का देखने को मिलता है। नोट किर्नल इस बार यूज किया गया है, तो किर्नल है जो स्विच कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। गूगल प्ले का जो सिस्टम अपडेट है आपको 10 मिलता है, एंड्रॉयड वर्जन आपको 10 देखने को मिलता है, और लेटेस्ट वाला सिक्योरिटी पैच जो कि 5 अप्रैल 2020 का है। और इसके अपडेट आने के पहले ही नोटिफिकेशन दिया गया था कि इस बार फेस अनलॉक फिक्स किया जाएगा। तो बहुत सारे आप लोगों ने जो यही रिक्वेस्ट किया कि भाई रिव्यू कब मिलेगा, तो भाई मैंने कहा कि आने तो दो, रिव्यू तो हर बार देता ही हूँ, इस बार भी मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ नया देखने को मिलता है, और नए के साथ कुछ बग भी मिलते हैं या फिर नहीं। और साथ ही साथ मैं आपको पबजी की भी डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो वीडियो को फुल एंड तक वॉच करते रहें। तो यहाँ पे आपको मिलता है सिस्टम अपडेट। इस बार ओटी अपडेट का कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है ऑफिशियल साइट पे, मे बी थोड़े देर टाइम के बाद आ जाए, बट अभी के लिए नहीं है, तो आपको फुल रोम डाउनलोड करना होगा, नेक्स्ट टाइम से मे बी आ जाएगा। एक रूल का नया ऑप्शन ऐड किया गया है, जो कि ये फीचर्स लिया गया है एंड्रॉयड आर से, क्योंकि अभी जस्ट पोको F1 का मैंने एंड्रॉयड आर का प्रीव्यू 2 का रिव्यू किया है। आपने वॉच नहीं किया तो वॉच कर लेना, आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या कुछ चेंज हमें जल्द ही देखने को मिलने वाला है। तो पहला चेंज तो आ गया है रूल का फीचर्स, बस इसको ओपन करना है, नेक्स्ट पे टाइप करना है, अपने GPS को ऑन कर देना है यानी लोकेशन को। अगेन आपको रूल पे टाइप करना है, यहाँ पे ऐड रूल पे टाइप करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, नेटवर्क और वाईफाई का, तो आप जो भी लोकेशन यूज करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं फिलहाल अपना GPS को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे हमारा मैप ओपन हो जाएगा, आपको जो अपना टारगेट सेलेक्ट करना है कि किस एरिया पे आप क्या करना चाहते हो, तो मैं अपना एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि पटना, ठीक है, जहाँ मैं रहता हूँ। तो ये हो गया, इसमें कितना लेंथ होना चाहिए, कितने मीटर पे एक्सेस होगा, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, कंफर्म पे टाइप करना है। अब 4-5 ऑप्शन आ गए हैं, रिंग का, वाइब्रेट का, साइलेंट का और डू नॉट डिस्टर्ब का। तो जो भी आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसे सेलेक्ट करना है और ऐड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद क्या होगा कि जब भी आप इस एरिया पे विजिट करोगे, आपका फोन ऑटो जो साइलेंट मोड या फिर आपने जो सेट किया है उस पे एक्टिव हो जाएगा, जस्ट लाइक अ ऑटोमेटिक टास्क मैनेजर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स है, जो कि और ज़्यादा इंप्रूव हो जाए इन फ्यूचर तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अभी तो छोटे मोटे ही ऑप्शन दिए गए हैं, तो जल्दी आ जाएगा उम्मीद करते हैं। उसके बाद स्टेटस बार के अंदर वही नेटवर्क ट्रैफिक, सिस्टम आइकन, टाइम एंड डेट, बैटरी परसेंटेज, यहाँ पे टाइल्स विजुअल, रो एंड कॉल्यूम मेंटेन करना, स्टाइल्स, ड्यूरेशन वगैरह आपको मिलते हैं। बटन के अंदर आपको ऑलरेडी इनेबल नेव बार मिल जाता है, तो आपको डिसेबल करने की जरूरत नहीं है, या मैनुअली एडिट करके इनेबल करने की जरूरत नहीं है। इसको जैसे आप डिसेबल करोगे आपका हार्डवेयर इनेबल हो जाएगा, आप हार्डवेयर को डिसेबल करोगे तो ये इनेबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एज लॉन्गर स्वीप आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, एक्शन। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है नेबर का डायरेक्ट ऑप्शन, आपको यहाँ पे दिखाई देता है, जहाँ पे आप एंड्रॉयड 10 का जो पिल्स है इसे भी हाइड कर सकते हो। तो एक नया फीचर्स यहाँ पे आ गया है, जो कि पहले आई थिंक प्लस वाले एडिशन में नहीं था, बट आ गया। अब यहाँ पे आपको वही सारे कॉमन फीचर्स मिल जाते हैं जो कि मैंने हर बार शो किए हैं। यहाँ पे एंड्रॉयड 10 का स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिलता है, साथ साथ नेबर का फीचर्स मिलता है, लेकिन एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ऐड की गई है, वो है हमारे स्क्रीनशॉट के अंदर, वो है लॉन्गर, और साथ साथ UI चेंज कर दिया गया है। कुछ इस तरीके का आपको जो देखने को मिल जाता है, जिस पर आप टाइप करके लॉन्गर स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो। बार बार आपको टाइप करना होगा कि कितना एरिया रखना है कितना नहीं, तो एक छोटा सा चेंज है, जो कि ऑक्सीजन ओएस में बिल्कुल ही वन टाइम में क्लिक करता है या फिर MIUI पे, बट ये उस टाइप से नहीं है। आप एडिट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, डिलीट या फिर डन करके सेव कर सकते हो, तो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है बट है। तो इस तरीके से ट्रिपल फिंगर करना है, यहाँ पे ऑप्शन आएगा, इस पर टाइप करोगे, हल्का सा एक स्टेप आपको लॉन्गर करेगा, फिर से नो ऑप्शन देगा, अगेन टाइप करना है, फिर से नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, अगेन टाइप करना है, फिर से नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। तो अलग कैटेगरी का यहाँ पे जो थोड़ा सा दिया गया है, बट उम्मीद करते हैं कि इसे इंप्रूव कर दिया जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन वॉइस में वन टाइम में क्लिक करता था जो फीचर्स था, बट इसमें जो बार बार टैप 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 खेलना पड़ेगा गेम, तो फिर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो ऐड की गई है। और सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग, जिसकी वजह से बवाल होने वाला है, वो है हमारा फेस अनलॉक। फाइनली एंड्रॉयड 10 के ऊपर पिक्सल एक्सपीरियंस टीम ने काफ़ी कमाल का काम किया है, और हमारे फेस अनलॉक का जो फिक्स कर दिया है, जो कि हमें सिर्फ उसमें एंड्रॉयड 9 पे देखने को मिला था। तो जैसा कि ऑक्सीजन में उसमें फेस अनलॉक का ऑप्शन रहता था, सेम उसी तरह का ऑप्शन आ गया है। अब आपको स्मार्ट लॉक में जाके फाइंड करने की जरूरत नहीं है हमारा फेस अनलॉकिंग, क्योंकि पिक्सल एक्सपीरियंस ने बाय डिफॉल्ट अलग से ही है जो ये फीचर्स प्रोवाइड कर दिया है। तो एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गया है आज के टाइम पे, वो भी एंड्रॉयड 10 यूजर्स के लिए। यहाँ पे आपको स्क्रैम्बल लेआउट वगैरह देखने को मिल जाता है, जो कि जैसा था वैसा है। यहाँ पे साउंड के अंदर आते हैं, तो नीचे आपको मिलता है वाइब्रेट वगैरह, और यहाँ पे जो ऑप्शंस MI साउंड इन्हेंसर, जो कि काम करते हैं अच्छे तरीके से। GPS भी आपका वर्किंग है। डिस्प्ले के अंदर आते हैं, यहाँ पे तो आपको मिलता है लाइव
डिस्प्ले म्यूजिक विजुलाइजर, यहाँ पे लॉकडाउन ऑप्शन, नोटिफिकेशन के ऑप्शन और यहाँ पे स्किप लॉक स्क्रीन डायरेक्टली, ये भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। टाइम एंड डेट, एंड्रॉयड 10 के वॉलपेपर्स वगैरह और जो छोटे मोटे कस्टमाइजेशन मिलते हैं वो आपको मिल जाता है। बैटरी तो अभी ज़्यादा मैंने यूज़ किया नहीं है तो डिटेल्स नहीं दे सकता, लेकिन QS पैनल पे भी आपको अच्छे खासे चेंज मिलते हैं, वो है हमारा स्क्रीन रिकॉर्डर। जी हाँ, तो स्क्रीन रिकॉर्डर आ गया है, बट यहाँ पे एक छोटी सी कमी मुझे फील हुई थी Redmi के Note 5 Pro के अंदर, तो वही चीज़ें देखते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलता है या नहीं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे मैंने ऑन किया सिस्टम लैग कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम मे बी नेक्स्ट अपडेट में फिक्स कर दिया जाएगा, क्योंकि जैसे आप स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर देते हो आपका सिस्टम में जो लैगी हो जाता है और ठीक से काम नहीं करता है, तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम आपको जो प्रोवाइड कर रहा है ये हमारा स्क्रीन रिकॉर्डर, अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डर करोगे तो ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, अदरवाइज सिंपली इसे यूज ही ना करो तो बेटर रहेगा, काफ़ी स्मूथ आपको एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। वहीं पे यहाँ पे Antutu की बात करें तो हमारा जो Antutu का टोटल स्कोर मिला है वो मैं कहूँगा कि ठीक है, जो कि 9.7428 का है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो Ethereal का या फिर कोई और आपका बेटर जो आप अक्सर यूज करते हो उसका है जो यूज कर सकते हो और इम्प्रूवमेंट कर सकते हो बैटरी और गेमिंग वगैरह में, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो मैंने यूज किया है उसके हिसाब से मुझे गेमिंग है ना काफ़ी अच्छा खासा जो ग्राफिक्स देखने को, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें फ्रेम रेट हाई पे देखने को मिलता है अगर हम ग्राफिक्स को स्मूथ पे डालते हैं, लेकिन अगर हम इसे बैलेंस पे डालेंगे तो ये ऑटो मीडियम पे स्विच हो जाता है। तो इस तरीके से आप स्मूथ पे रख के हाई फ्रेम रेट पे जो पबजी को प्ले कर सकते हो बाय डिफॉल्ट कर्नेल के साथ और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स आ गए हैं, फेस अनलॉकिंग और पबजी भी मैंने अपने रिव्यू के अंदर ऐड कर दिया, तो अब तो भाई खुश होके एक लाइक जरूर दे दो, क्योंकि लाइक तो बहुत कम आते हैं भाई, व्यूज आ जाते हैं लेकिन लाइक्स कम आते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक है जो भाई हमें मोटिवेट करता है ताकि हम और रोम्स की टेस्टिंग करें और आपको जो रिव्यू प्रोवाइड करते रहें। और मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे जो टेक न्यूज शुरू करने की, तो आप वोट करना, आई बटन में आपको वोटिंग मिल जाएगा और बताना कि आप क्या इंटरेस्टेड हो टेक न्यूज के लिए या फिर नहीं। वहीं पर मैजिक्स की ओर आते हैं, तो मैंने यहाँ पे 20.3 का यूज किया है, क्योंकि उसमें आपको नेट सेफ्टी बिल्कुल ही पास मिलता है, तो यहाँ पे आपको जो नेट सेफ्टी बिल्कुल ही पास देखने को मिलता है। वहीं पे आपका जो प्ले स्टोर है ये भी फुल्ली सर्टिफाइड है, तो यहाँ पे आपको कोई इशूज देखने को नहीं मिलेगा। आई होप सो गाइस कि मैंने आपको कंप्लीट डिटेल दे दिया है, फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन या डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हो। रही बात फ्लैशिंग रिलेटेड, तो एक आई बटन मैं आपको वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा जिसका आप फ्लैशिंग मेथड को फॉलो करके इस रोम को अपने फोन के अंदर इजिली जो फ्लैश कर पाओगे। तो आपसे अगेन रिक्वेस्ट है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि वीडियोज आपको मिलते रहे, उसका बेनिफिट ले पाओ। और आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम और वीडियोस पे काम करें, और रिव्यू चाहिए और साथ ही साथ टेक न्यूज, तो उसके लिए भी आप वोटिंग जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।